नेहा अपना फोन देना, मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है। नेहा नेहा नेहा, What happened? Why are you shouting? ये कौन है ये लड़का? इसने तुम्हारे लिए होटल में रूम्स बुक किए हुए हैं। ये क्या चल क्या रहा है ये सब? This is my colleague, my friend actually. So it's our boss's birthday, तो सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, ओके? फोन दो। तो पढ़ ली तो क्या? और आज तुमने बात कर ली है, आगे से ना स्टोन में मुझसे बात मत करना कभी। टोन टोन, तुम यहां मुझे चीट कर रही हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे ढंग से बिहेव करूं। निजो है मेरी लाइफ है एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। नेहा, वी आर अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, वी आर मैरिड टू ईच अदर, यू आर आंसरेबल टू मी। ओके देन लेट्स एंड इट, खत्म करते हैं सब कुछ। वैसे मैं मरे नहीं जा रही तुम्हारे साथ रहने के लिए। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू एंड योर स्टूपिड फैमिली। नेहा, बी इन योर लिमिट्स, ओके? लिमिट्स ठीक है, आई विल शो यू माय लिमिट्स। नाउ यू टॉक टू माय लॉयर, ओके? हेलो मिस्टर जॉनसन। या हेलो सर, आई एम सुनील, योर वाइफ्स लीगल एडवाइजर। आपके और आपके फैमिली पे डाउरी केस हुआ है अंडर पिनल कोड 498A। डाउरी केस? बट हमने तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया। वो आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट में। मैं तो बोलता हूँ आप बाहर जाके सेटल कर लो, नहीं तो आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत दिक्कत होने वाली है। थैंक यू। बट सर लिसन, हेलो, मैं कम इन। हाय हस्बैंड, कैसे हो? लॉयर का कॉल आया। ये सब क्यों कर रही हो तुम? सिंपल, पैसे के लिए। मेरा लाइफस्टाइल, मेरी लाइफ सिक्योरिटी, या तो पैसे दे दो या फिर तुम और तुम्हारी फैमिली जेल में चक्की पीसो। शड़ा, मैंने और मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे लिए, ठीक है? और जो भी ये तुम ड्रामा कर रही हो ना, ये सब मैं कोर्ट में सामने लेके आऊंगा। आई हैव फुल फेथ इन आवर लॉ। फिलहाल उठो और गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। थैंक यू, आप सबको दिख गया तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो। नीजो, इस केस में तुम या मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप इतने बड़े लॉयर हो, आप कुछ तो कर सकते हो सर। तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे डाउरी एंड क्रुएलिटी आईपीसी सेक्शन 498A लगा है, वो नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है। वो सब तो बाद में पता चलेगा, उससे पहले तुम्हें जेल जाना होगा। इसलिए उसकी सारी डिमांडें मान लो और सेटल कर लो, तुम पे और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। ओके ओके सर। क्या चाहती हो तुम मुझसे? सो फाइनली मुझे दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए। कि कैसी अनरियलिस्टिक बातें कर रही हो, हम कहाँ रहेंगे? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये तो तुम्हें एटीट्यूड थ्रो करने से पहले सोचना चाहिए था ना।
अब या तो प्रॉपर्टीज दो या फिर जेल जाओ। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ तुमसे शाम को घर के पेपर्स के साथ। दैट्स ग्रेट, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय। पेपर्स तैयार हो गए? तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम लोग ये डिजर्व करते हो। पर हमने किया क्या है? तुमने ये पूरा फेक केस बना दिया हमारे अगेंस्ट, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे मैनेज होने वाला है। हाँ, ये एक नकली केस है, बट मैं क्या करूं, मेरा एक लाइफस्टाइल है, मुझे लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, और मेरे पापा ने पता है ना कितने पैसे खर्च किए हैं शादी में। मुझे कम से कम 3 गुना तो चाहिए ना यार उसका नीचो। मतलब तुम अपनी सेल्फिश नीड के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम सबको जेल भेज दोगी? क्या कर सकते हैं हम बताओ, हमारा लॉ ही ऐसा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वेल, मैं कुछ कर सकता हूं। अब बोलो क्या हुआ? अभी तक तो बहुत सारी कहानियां बता रही थी तुम। तुम लोगों की वजह से जो एक्चुअल विक्टिम होते हैं ना, उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाता, तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को। ना मैंने कोर्ट में ले जाके एक्सपोज किया, तो मेरा नाम बदल, गेट आउट ऑफ माय कार। Penal Code 498A of Dowry and Cruelty is non-bailable because our constitution wants to safeguard all the genuine victims. But a lot of men have been physically and mentally harassed by the misuse of this. It's high time to stop it. That's it for this story. See you next Friday. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.